Assalamu alaikum, my name is Rizwan Ali and welcome you all in my YouTube channel Conceptual Learning with Rizwan Ali. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी. देर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी बट दो सोर्स ऑफ एनर्जी आर फॉल इन टू कैटेगरीज. जो भी एनर्जी के सोर्सेस होते हैं हम उनको दो कैटेगरीज में पढ़ते हैं. नंबर वन जो हमारी कैटेगरी होती है उसको हम कहते हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. सेकेंड कैटेगरी जिसको हम कहते हैं रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हम कह सकते हैं वो एनर्जी के वसाइल जिनको हम सिर्फ एक दफा यूज करें. दोज सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच वी कैन यूज ओनली वन टाइम. ओके, तो उनको हम क्या कहते हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जिनको हम अगेन यूज ना कर सकें उनको हम क्या कहते हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, उसके बाद हमारे पास है रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, याद रखना कि जो एनर्जी के सोर्सेस हैं उनको हम दो कैटेगरीज में पढ़ते हैं. ठीक है, एक कैटेगरी हमारी होती है जिसको हम कहते हैं रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और जो दूसरी कैटेगरी होती है उसको हम पढ़ते हैं ये जो कैटेगरी होती है नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं और दूसरी जो होती है वो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. ठीक है, अब जो नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है इनमें कौन से सोर्सेस आ जाते हैं. ठीक है, इनमें जो पहला जो हमारे पास सोर्स है एनर्जी का वो है हमारा पेट्रोलियम. पेट्रोलियम जो भी आपकी प्रोडक्ट्स होती है. ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वो आपका जो है ना वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. ठीक है, यानी जैसे हम अगेन जो है ना पेट्रोल को हम जमीन से निकाल रहे हैं एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बट हम इसको अगेन प्रोड्यूस नहीं कर सकते. ठीक है, हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि हम इसको जो है ना लेब में पेट्रोल को जो है ना प्रोड्यूस कर सके. हम जो रॉ मटेरियल हमें मिलता है वो धरती से मिलता है, उसको फिर हम जो है ना रिफाइन करके मुख्तलिफ प्रोसेसों से जो है ना गुजार के फिर हम इसको यूज करते हैं. उससे आप याद रखना जैसे बाय प्रोडक्ट्स और भी हमें जैसे कि डीजल जो है ना एज अ बाय प्रोडक्ट हमें पेट्रोल से पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें एज अ बाय प्रोडक्ट्स भी इससे मिलती है. ठीक है, उसके बाद आपकी जो सेकेंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है फॉसिल फ्यूल. अब ये फॉसिल फ्यूल क्या है. फॉसिल फ्यूल हम कह सकते हैं जैसे कि आपने थ्योरीज में पढ़ा होगा ये जो हमारी धरती है इसमें पहले डायनासोर्स थे. ठीक है, और डायनासोर जब तबाह हुए ठीक है यानी कि धरती में जो है ना एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जैसे कि दरख्त हो गए ट्रीज हो गई. ठीक है, तो वो क्या हो गया कि जब एक इतनी मतलब कि धमाका हुआ या जो है ना डिस्ट्रक्शन हुआ तो उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो भी दरख्त थे ट्रीज थी या डायनासोर थे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उस वक्त वो जमीन में क्या हो गए धस गए. तो जमीन में जब वो अंदर जो है ना वो साल हो गई इसको बहुत ज्यादा साल हो गए सेंचुरीज हो गई हैं बहुत सदियां हो गई हैं तो उसके साथ साथ वो क्या हो गया वो जो हमारा लिविंग जो मटेरियल था. ठीक है, जैसे कि ट्रीज हो गई वो धरती में यानी कि टाइम के साथ वो कन्वर्ट हो गए किसमें कोयल में. ठीक है, कोयल्स में कन्वर्ट हो गई यानी कि कोयले में वो क्या हो गए कन्वर्ट हो गए तो उसको हम क्या कहते हैं फॉसिल फ्यूल. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल थरपारकर में हम कोयला निकाल रहे हैं तो वो क्या है फॉसिल फ्यूल है. अब जाहिर बात है हम उसको भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको अगेन यूज नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये क्या है नेचुरल है. ठीक है, यानी कि हम जो दुनिया में कई ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर कोयला निकाला जाता है चाइनाज में माइंस होती हैं जहाँ से आप कोयला निकालते हो तो क्या करते हैं हम ये जो फॉसिल फ्यूल होता है या कोयला होता है उसको हम अगेन यूज नहीं कर सकते. तो ये किस कैटेगरीज में फॉल होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो आप होलिस्टिकली समझ सकते हो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो कि दो सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच वी कैन नॉट यूज अगेन that is known as renewable source of non renewable source of energy. okay,
तो ये तो हो गए जो है ना आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें और भी हैं, फॉर एग्जांपल हम पढ़ सकते हैं सेकेंड, अगर हम पढ़ थर्ड हम अगर पढ़ना चाहें ठीक है, तो थर्ड हम पढ़ सकते हैं आपका होता है न्यूक्लियर, जो भी आपके जैसे कि बिजली न्यूक्लियर फ्यूजन से हम प्रोड्यूस करते हैं ठीक है, न्यूक्लियर जो है ना आप कह सकते हैं रिएक्शंस जो भी होते हैं रिएक्टर्स ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो आपके होते हैं ठीक है, वो भी आपकी इस कैटेगरी में फॉल होते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ठीक है। तो ये तो हो गए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और अब हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके ये तीन एग्जांपल्स नहीं है ठीक है, और भी जो है ना आप अगर इस पर थोड़ा ये रिसर्च करोगे तो आपको और भी जो है ना नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पता चल जाएगा। जो मेजरली है वो ये है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर जो है ना फिशंस होता है, न्यूक्लियर से जो भी एनर्जी आपकी बनती है या न्यूक्लियर से जो भी हम एनर्जी यूज करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो न्यूक्लियर फिशन से बनाते हैं। कई दुनिया में जैसे कि फ्रांस की अगर आप बात करें तो फ्रांस में ये है कि फ्रांस आपकी 60-50% जो उनकी एनर्जी है वो न्यूक्लियर फिशन से बनाते हैं यानी कि प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ठीक है। अब जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है दुनिया का अभी फोकस जो है ना वो इस पे नहीं है ठीक है, दुनिया का जो पूरा फोकस है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे है। वो दो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, दो सोर्स ऑफ एनर्जी जिनको हम अगेन यूज कर सकें ठीक है। उनमें पहला जो आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आपकी जो सोर्स है उसको हम कहते हैं सनलाइट, सनलाइट ठीक है। सनलाइट आपकी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे कि सोलर सिस्टम हो गया ठीक है ना, सोलर पैनल्स हो गए हमारे, जैसे कि चाइना जो है ना वो दुनिया में सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो चाइना लॉन्च कर रहा है, और जो अपनी जो उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है जो उनकी एनर्जी की जो है ना हम कह सकते हैं कि जरूरत है वो सोलर पे जो है ना वो शिफ्ट कर रहे हैं ठीक है। तो दुनिया पूरी पाकिस्तान में भी ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पाकिस्तान में भी कई ऐसे पैनल्स हैं या जो बिजली घर हैं जो हम सोल जो है ना सनलाइट से सनलाइट को ट्रैप करते हैं, और सोलर जो हमारी प्लेट्स होती हैं उसके थ्रू भी हम जो है ना वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और जो हमारी नीड है वो पूरी हो सकती है। तो ये क्या हो गया, किस कैटेगरी में फॉल हो गया, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ओके। तो सेकेंड जो आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है विंड एनर्जी, विंड एनर्जी ठीक है। अब विंड एनर्जी जैसे कि हम समझ सकते हैं ये भी एक टाइप है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि हवा से बिजली को पैदा करना या हवा से एनर्जी को पैदा करना ठीक है। तो कई ऐसी दुनिया है जो विंड एनर्जी यानी कि विंड को यूज करके वो एनर्जी को प्रोड्यूस करें, जैसे कि पाकिस्तान में है हमारा जो भी बड़ा प्रोजेक्ट है जो हम उसको लॉन्च करने यानी कि चल रहा है बट इतना इफेक्टिव नहीं है, बट जो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका विंड एनर्जी है ये भी आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है आपका वो है टाइडल एनर्जी ठीक है, टाइडल एनर्जी। अब ये जो टाइडल एनर्जी है ये भी आपका रिन्यूएबल कैटेगरी में फॉल होता है ठीक है, जैसे कि हाइड्रो हम कह सकते हैं, हाइड्रो भी आपका जो है ना वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हम कह सकते हैं कि दोज सोर्स ऑफ एनर्जी जिनको हम अगेन यूज कर सकें ठीक है, अगेन इस्तेमाल में ला सकें, तो उसको हम क्या कह सकते हैं रिन्यूएबल जो सोर्स ऑफ एनर्जी ठीक है। अब सनलाइट जाहिर बात है जब तक ये दुनिया रहेगी सन तो रहेगा ठीक है, तो ये भी हो गया आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हवा है ठीक है ना। अब हवा भी जो है ना हम तो हवा को प्रोड्यूस नहीं करते, तो नेचुरल प्रोसेस है, तो ये हम कह सकते हैं तो जो विंड एनर्जी है वो भी आपकी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो होलिस्टिकली हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि ये जो हम समझ गए होंगे कि जो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या डिफरेंस है, और इनमें जो है ना जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उनमें कौन कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी आ जाते हैं, और जो आपकी नॉन रिन्यूएबल हैं तो उसमें कौन कौन से, जो मेजरली हमने बात की है, अगर आप और ज़्यादा स्टडी करोगे तो आपको और भी जो है ना सोर्स ऑफ एनर्जी मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड योर सपोर्ट, यू नो आई हैव रिक्वायर्ड योर सपोर्ट टू मेक फर्दर मोर वीडियोज ऑन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। So thank you so much for watching my video, and hopefully that we will
you know, make another video on that particular topic. So thank you so much for watching.